Hey everyone, welcome back to Rashmi's Kitchen Mantra. Hope you all well. विंटर स्पेशल रेसिपी में आज भी शेयर करूंगी मेथी के पराठे, जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। मैं बहुत सिंपल तरीके से इस मेथी के पराठे को प्रिपेयर करती हूँ। आज के इस रेसिपी को देख के आप भी आपके घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और आई होप आप सब लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे चैनल पे मैं रेसिपी को कंप्लीट डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं उन्हें समझने में आसान हो। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरे चैनल के हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मेथी पराठे के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश मेथी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथी लीव्स ले लिया है। अब इसे हमें सबसे पहले क्लीन करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेथी के जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि मेथी के भाजी के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। ऊपर के सॉफ्ट वाला पोर्शन लेने के साथ साथ जो सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते होंगे उसे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन के साथ नीचे का जो सॉफ्ट पत्ते है यानी कि लीव्स है उसे भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही लीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड पोर्शन को अगर हम यूज़ करेंगे तो पराठे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेथी को ले लिया है क्लीन करके, उसके बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से पानी से धो लिया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी ना हो। अब इस मेथी को हमें कट करना है। आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, मैं छुरी से ही इसे बारीक चॉप कर लूँगी। कोशिश करना है जितना हो सके उतना ज़्यादा इसे बारीक चॉप करने की। मेथी के पराठे को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं मेथी लीव्स को अलग से कुक नहीं करती हूँ, आटे में ही डायरेक्ट इसे ऐड करती हूँ। अगर आपको मेथी का कड़वापन पसंद नहीं है तो आप इस मेथी को चॉप करने के बाद थोड़ी देर के लिए नमक पानी में गला के रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा कड़वाने से अच्छा लगता है। पराठे में बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चॉप करने के बाद एक बोल में निकाल लिया है, तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं आटे के हिसाब से यूज़ करूँगी जितना मुझे चाहिए। अब पराठे बनाने के लिए हमें आटा लगाना है, तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 2 कप आटा ले रही हूँ। आपको आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आटा लेना है। इस आटे से कम 6 से 7 पराठे बन जाएंगे, जो मेरे लिए काफ़ी है। तो अब आटे में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक। मैं इसमें प्याज और लहसुन यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं ओनली अदरक यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। 1/4 टीस्पून ऐड कर दूँगी मैं रेड चिली पाउडर, आप यहाँ पे ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। अब बहुत अच्छे से हमें हाथ से इसे मिक्स करना है। पहले एक साथ हम भाजी को ऐड नहीं करेंगे, पहले हाथ से थोड़ा सा इसे मिक्स करके इसमें मोन लगा लेंगे, इससे पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। यहाँ पे हाथ से बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है मसाले के साथ आटे को। अब इसमें हमें ऐड करना है मेथी लीव्स, तो जो चॉप करके रखा है मेथी लीव्स को उसको मैं ऐड करूँगी। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे पूरा ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे 1/2 बोल से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा आटा लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मेथी आपको ऐड करना है। आप यहाँ पे पराठे बनाने के लिए मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पराठे को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं निकाल दिया है एक्स्ट्रा मेथी को, तो अब इसे हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी अभी ऐड नहीं करना है। मेथी को यहाँ पे हम लोगों ने पानी से वॉश किया था, तो उसके बाद मेथी में थोड़ा सा पानी रह गया है, इसलिए आटे के साथ मेथी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उससे पानी का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आटा के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी।
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। आटे में हम लोगों ने नमक मिलाया है और मेथी लीव्स नमक के साथ एब्जॉर्ब होके पानी रिलीज करेगा, तो उससे आटा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए एक मीडियम सॉफ्ट डो हम लोग यहाँ पे रेडी करेंगे। अगर आपको मेरे इस चैनल पे आपके पसंद के कोई रेसिपी देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं rashmikarmakar.rk@gmail.com पे, या तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके भी DM कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपकी पसंद की रेसिपी को शेयर करने की। तो यहाँ पे देखिए, एक मीडियम सॉफ्ट डो मैंने रेडी कर लिया है। जैसे बताया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इस टाइम नहीं रखना है। अभी इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। तो मैं एक टॉवल से इसे कवर कर दूंगी, आप यहाँ पे एक प्लेट से भी कवर करके इसे रख सकते हैं। तो अब 10 मिनट के लिए इस आटे को हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। 10 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए, मैं टॉवल हटा रही हूँ। तो यहाँ पे मेथी लीव्स के साथ आटा एकदम सेट हो चुका है। और देखिए, जैसे बताया था कि ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं मैंने इतना सॉफ्ट नहीं रखा था डो को, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो हाथ से एक बार बहुत अच्छे से फिर से इसे मैं नीट कर रही हूँ। आटे को हम जितने अच्छे से लगाएंगे, यानी कि डो जितना अच्छा होगा, पराठा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो अब इस आटे से हमें लोई निकालना है। मैं पराठे को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोटा पराठा पसंद है तो आप लोई को थोड़ा सा लार्ज साइज़ में निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की ही लोई निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप आटे का इस्तेमाल किया था और 2 कप आटे से मैंने यहाँ पे 8 लोई निकाला है। पराठे बनाने के लिए जो जो काम हमें करना था सब कुछ हो चुका है। अब लास्टली इस पराठे को हमें बेलना है। तो यहाँ पे एक एक करके लोई लेके मैं इसे बेलूंगी। थोड़ा सा हाथ से इसे और नीट कर लूँगी ताकि बहुत अच्छा पराठा बने। कम ऑयल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे पराठे को आटे से ही बेलूंगी। आप चाहते हैं तो इसे ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रेड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं लेना है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पराठा हार्ड हो सकता है। लोई के दोनों तरफ से मैंने आटा स्प्रेड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक राउंड शेप के पराठे बनाऊंगी। अगर आपको ट्रायंगल शेप के बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पराठे को मैंने बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा मोटा यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर आपको थोड़ा सा मोटा रखना है ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा मोटा और रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोटी जैसा भी पतला नहीं बनाया है। तो एक पराठे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब एक और पराठे को मैं बेल के दिखाती हूँ। अगर आप ट्रायंगल शेप के पराठे बनाते हैं तो इसे फोल्ड करने से पहले राउंड शेप देने के बाद ही ऊपर एक बार आप हल्का सा ऑयल स्प्रेड करके उसके बाद उसे फोल्ड करें, उससे पराठे का जो लेयर्स है वो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक और पराठे को बेल लिया है। अब इन दोनों पराठे को सेकते सेकते ही मैं बाकी के पराठे को भी बेल लूँगी। तो यहाँ पे पराठा सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवा गरम कर लिया है। अब मीडियम टू लो हीट पे मैं इस पराठे को सेकूंगी, क्योंकि इसमें मेथी लीव्स कच्चा है तो इसे कुक होने में थोड़ा सा टाइम देना है, तो इसीलिए धीरे धीरे इसे मैं सेकूंगी। तो एक साइड को मैंने यहाँ पे पहले रोटी जैसा सेक लिया है। पराठे बनाने के लिए मैं शुरू में ही ऑयल ऐड नहीं करती हूँ। पहले थोड़ा सा रोटी जैसा सेक लेती हूँ, उसके बाद ऑयल ऐड करती हूँ, उससे ऑयल कम एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्राई करने के लिए पराठे को वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक लार्ज साइज़ के ही स्पून में यूज़ कर रही हूँ और करीब 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। मैं जितना हो सके कम ऑयल में ही पराठे को सेकूँगी। लार्ज साइज़ के स्पून लिया है, इसे स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने तवा पे ऑयल ऐड नहीं किया है, क्योंकि उससे ऑयल ज़्यादा लगता है। मैंने डायरेक्ट पराठे के ऊपर ही ऑयल को स्प्रेड कर दिया है। तो अब इसे मैं टर्न कर रही हूँ। अब ऊपर के साइड में भी मैं ऑयल ग्रीस करूँगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी ताकि पराठा चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाए। अब सेम प्रोसेस में ही मैं ऊपर के पोर्शन में भी ऑयल ग्रीस करूँगी। तो आप फिर से देख सकते हैं मैंने बहुत कम ऑयल यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पे ग्रीस कर लिया है। अब इसे भी मैं टर्न कर दूंगी दूसरे साइड को फ्राई करने के लिए। तो एक साइड यहाँ पे देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई करने से पेंटी लीव्स जो है वो जल सकता है। तो यहाँ पे पराठा बहुत अच्छे से सिक गया है, तो अब मैं इसे पैन से निकाल दूँगी और दूसरे पराठा को भी सेम प्रोसेस में ही मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। तो पैन से निकाल के पराठे को मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्स्चर कितना अच्छा आया है। तो सेम प्रोसेस में ही बाकी के पराठे को मैं बेल के सेक लूँगी। पराठे बनाने के टाइम पे एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, आप लो फ्लेम पे धीरे धीरे जितने अच्छे से पराठे को सेकेंगे पराठा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे एक के बाद एक मैंने पराठे को सेक लिया है और अब मैं इस पराठे को सर्व करूँगी अचार के साथ। आप यहाँ पे सब्ज़ी के साथ भी इस पराठे को सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे अचार के साथ ही ये पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखिए पराठा यहाँ पे कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो मेरे प्रोसेस में मेथी के पराठे को आपके घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ईजी रेसिपी बहुत पसंद आएगा। और आज की रेसिपी आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और रेसिपी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नए रेसिपी के साथ।